ओके रिवाइव हो के आ चुके हैं, यही बंदा था। लो ओके यहाँ पे पख्तून नॉक है गाइस, वेलकम हो गया एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज का लॉबी बहुत ज्यादा हार्ड गया है क्योंकि ग्रैंड मास्टर लॉबी तो हमेशा की तरह हार्ड जाता है। नक्सेरा और बरमूदा मैप के ऊपर थोड़ा ज्यादा हार्ड आता है, बाकी मैप्स के ऊपर इतना नहीं आता। चलो ये बंदा भी डैमेज है, अपने स्क्वाड की बात करें तो सीजन 2 है अपने साथ। ओके नूर यहाँ पे नॉक है, इसका किल ले लेते हैं सबसे पहले। चलो दो किल यहाँ पे डन हो चुके हैं भाई, ऑब्वियसली बात है ग्रैंड मास्टर लॉबी तो भैया चाहिए रहेगा, अपने को किसी भी सूरत में मिस नहीं कर सकते। आप टू या भैया ये दो चीजें हैं, बाकी कोई भी बंदा अगर पहली बार आ रहा सब्सक्राइब कर लेना, बिल नोटिफिकेशन ऑन के ऊपर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे अपना फेवरेट यूएमपी भी मिल चुका है, एक नहीं है भाई दो दो हैं एक साथ। आई थिंक एक नीचे कूद गया इसके ऊपर रश कर। क्या मुसीबत है भाई, उसके सर पे एम नहीं गया जा रहा था, लेटा हुआ है। लो इम्पिटे का ये क्या बला है भाई, लो इसके चक्कर में हम लोग मर गए भाई। वो लेटा हुआ था, उसकी एम ही नहीं जा रहा था, ऊपर से वेस्ट पहनी हुई थी टीम का, बॉडी स्प्रे बिल्कुल हल्का डैमेज पड़ा था। ओके रिवाइव हो के आ चुके हैं, यही बंदा था। लो जो कर रहे हैं जिस तरीके से पीछे से मारा है सेम हम लोगों ने मारा है, लेकिन हमने थोड़ा सा खोपड़ी में मारा इसकी। ओके बी आर खोखर को अच्छा हेडशॉट है और इसका आई थिंक डुओ आ रहा है, डुओ ने स्क्वाड ही आ रहा है क्योंकि एक बंदा तो नजर आया है। ओके दो आ चुके हैं अभी। हेडशॉट लगा इसको, 87 का एक लॉन्च पैड लेके निकल गया। भाई गलत बंदे पे जब रश करते हैं तो यही होता है, जब जो इनके साथ हुआ है ना, पहले बंदे ने रश करा, इसके बाद दो बंदे आए, एक ने तो लॉन्च पैड लेके अपनी जान ही बचाई है, दूसरा भाई बढ़ गया उसका टीममेट। लो जी जिसको मारा है वो अकेला दोबारा से आ गया वो, और हम लोग अकेलौते प्लेयर बचे हैं, 7 के लिए यहाँ पे डन है। और लॉबी मैंने आपको बोला कि ग्रैंड मास्टर तो माइनस किसी सूरत में कराना नहीं है, 21 बंदे अलाइव हैं। अब 21 का मतलब ये नहीं क्योंकि स्क्वाड गेम है तो एक आधा मरेगा तो बाकी तो दो तीन जो टीममेट होंगे उसको रिवाइव करेंगे पहले, तो ये सीन होता है। बट हम लोग अकेलौते प्लेयर बचे हैं और हैकर की तो क्या ही बात करें, हैकर अकेलौते ही काफी है। अरे अरे यहाँ पे लगता है मरेंगे भाई, हैकर होने का कोई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा ले लिया था। क्या भाई मलिक आसिम यहाँ पे नॉक है, चलो रिवाइव करा लेते हैं सबसे पहले भाई, क्योंकि रिवाइव ना कराते ये थोड़ा सा सीन गड़बड़ होना था। ये बंदा भाग रहा है या मेरे को भगा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लिटरली भाई आधी गोली के बचे रहे। सोनिया डिमिट्री क्या हेल्प कर सकते हैं, आई थिंक हो जाएगा, थोड़ा सा कवर में आ गए थे हम लोग। ये होता है भाई सोनिया डिमिट्री का फायदा, काफी लोग बोल रहे थे भाई क्यों यूज करते हो, तो ये होता है बेनिफिट चेक कर रहे एट द पॉइंट ही आपको बेनिफिट देता है। ये है भाई हैकर का जलवा, शॉट देख रहे हो आप लोग, शॉट देख रहे हो क्या ही लगे हैं इसका टीममेट ऊपर। ये खोखर ये वही बंदा है भाई जिसको पहले हम लोगों ने ना सिर्फ मारा है धोया है पेला है, अब इसका स्क्वाड इस ब्रेक वाइप आउट कर दिया है, तो इसके साथ 11 हो चुके हैं अभी तक, 21 अलाइव है। अगेन हम लोग यहाँ पे अकेले रहते हैं। ये होते हैं भाई प्रो प्लेयर्स के टीममेट, देखो एक दफा रिवाइव करो फिर से मार गए फिर से रिवाइव करो इसको। कभी कभी ऐसे गेम्स भी आते हैं गाइस जिसमें आप लोगों को ना सिर्फ टीममेट्स को रिवाइव करना पड़ता है बल्कि किल और गेम को सर्वाइव भी अकेले ही करना पड़ता है, तो जब मल्टीपल चीजें होती हैं तो वो गेम में आपको पता चलता है कि आपका सर आपका जो गेम प्ले है किस लेवल के ऊपर है। क्या मिस्टर खान, क्योंकि बी आर रंग में सिर्फ किल निकालना बात नहीं होती, क्योंकि कस्टम कुछ लूबड़े बोल रहे होते हैं भाई,
कस्टम के नोबड़े ही बोलूंगा, क्योंकि सिर्फ उनको ग्लू वॉल का पता होता है ग्लू वॉल कैसे लगाते हैं। देखो कस्टम में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, आपकी ग्लू वॉल स्पीड कितनी अच्छी है, लेकिन बीआर में मल्टीपल चीजें हैं, जैसा कि भाई आपके किल कितने हैं, आपने सर्वाइव कितने करा, आपका स्क्वाड अच्छा है कि नहीं है, और किस लॉबी के अंदर आप गेम खेल रहे हो, बहुत सारे तो प्रो प्लेयर्स का पता यहाँ पे चलता है कि कैसे खेल। ओके बंदे ने बहुत डैमेज दिया थे, ऊपर आ रहा है। अब नीचे आया तो ये पिटेगा मेरे हाथ से। ओके बॉडी स्प्रे कार की, बंदा गुस्से आ रहा है पीछे से। 14 टन है भाई यहाँ पे, अभी तक 10 अलाइव है। और गेम भुया करने के लिए भाई टीममेट्स को ना सिर्फ रिवाइव करना है बल्कि जूम के अंदर भी पहुंचना है। चलो वो तो हो गया नॉक, बाय बाय रिवाइव रिवाइव रिवाइव। ये है भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रिवाइव, जो कि बनता ही नहीं था, बट यहाँ पे रिवाइव हम लोगों ने करा ही दिया है। 15 डन कर लिए लिटरली, लॉन्च पैड 2 मेडिकेट लगा के अगर जोन में लॉन्च पैड छोड़ते तो मेरे को लगता है कि शायद बच सकते। चलो भाई बच तो गए, लेकिन 11 बंदे अलाए में भुया लेना अभी भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना लूट थी नहीं यहाँ पे। मर जा भाई। चलो गया गाइस, यहाँ पे 16 डन हो चुके हैं, 5 अलाइव हैं। हाँ इंजेक्शन का शायद हम लोगों को फायदा हो पहुंच जाए। चलो बट मेरे को नहीं लगता अब थोड़ा सा हार्ड रहेगा, 4 बंदे हैं सामने की साइड, अकेले प्लेयर बचे 16। भाई इस गेम के अंदर क्या ही गेम करे, ना सिर्फ 16 किल निकाले और टीममेट्स को आप लोग चेक कर सकते हो कितनी मरतबा रिवाइव करे, अगेन वो सब नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं, बट अच्छा गेम करा है भाई, इतना यहाँ पे बोलना चाहिए भाई अगर अच्छा गेम करा है तो आपने। आगे चेक करो भाई भुया के लिए क्या ट्राई करते हैं, खेलना है यहीं पे टपक जाएंगे भाई। MP40 का स्कार 3 चिप भाई, वो तो लेवल ही अलग हो जाता है। बाकी चेक करो यहाँ पे, अगर वो तो सामने की साइड से आए तो मारेंगे, अगर बैक साइड से कोई आ गया नल्ला बेरोजगार छपरी तो भाई पिटने वाले हैं। पड़ गया भाई भुया, इसने भी 13 किल निकाल रखे हैं।